Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोगों ने जो है कोरोना महामारी पर जो है निबंध का पहला पार्ट डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप पहला पार्ट देख लीजिए। आज हम जो डिस्कस करेंगे प्रवासी भारतीयों के लिए चलाया गया अभियान। जो प्रवासी भारतीय हमारे बाहर फंसे हुए हैं दूसरे देशों में, वहाँ पर उनको लाने के लिए जो अभियान चलाया गया है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि प्रवासी भारतीयों के लिए, अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलते हैं, जो अभियान चलाया गया है वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु, आज हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर कल जो है जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसका पार्ट 3 भी आएगा, कोरोना महामारी पर पूरा जो है हम विस्तार से एक एक बिंदु जो है आपको देते रहेंगे। तो चलिए वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु जो चलाया गया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साल 1990 में हुई कुवैत एयरलिफ्ट के बाद दुनिया की सबसे बड़ी निकासी की मुहिम को भारत अंजाम देने जा रहा है। भारत जो है जितने भी भारतीय हमारे फंसे हुए हैं बाहर, उन सब को लाने के लिए अभियान चला रहा है। भारत कोरोना वायरस के मद्देनज़र दुनिया में लगे हुए लॉकडाउन में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को 64 उड़ानों के माध्यम से, मतलब 64 हवाई जहाज उड़ाने होंगी जो कि 7 मई से 13 मई के बीच भारत वापस लाने की तैयारी में है। अब देखिए जो है इस मिशन का नाम जो है भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन रखा है, ठीक। जो ये मिशन चलेगा, इस मिशन का नाम वंदे भारत मिशन है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं यश जयशंकर, इन्होंने मंगलवार को कहा कि इस मिशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। विदेश मंत्री ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे भारतीय लोगों को वहां के दूतावास के लगातार संपर्क में रहने का निर्देश दिया है, ठीक। तो आगे प्रत्यावर्तन योजना के तहत भारत के, मतलब भारत सरकार जो है चरणबद्ध तरीके से दुनिया भर में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाएगी। अब देखिए कि जो है इसमें है क्या कि उड़ानों को कोरोना महामारी के चलते मार्च के शुरू में ही बंद कर दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जितनी भी हवाई जहाज उड़ाने थी वो सारी जो है मार्च के शुरू महीने में बंद कर दी गई थी। इसी के साथ भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन भी शुरू किया है जो कि विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को पानी के रास्ते वापस भारत लेकर आएगा। भारतीय नौसेना के 2 जहाज, मथिक जलाश्र और मगर, 8 मई से माले जलपोत के रास्ते भारतीय को वापस लाएंगे, ठीक। तो जो माले के रास्ते वापस आएगा वो कौन कौन सा जहाज है, एक मगर है और एक जलाश्र है। तो चलते हैं आगे, कोरोना परीक्षण के बाद इसके योग्य पाए जाएंगे, मतलब कि वही व्यक्ति लाए जाएंगे जो कोरोना परीक्षण के बाद इसके योग्य पाए जाएंगे, उन्हीं को भारत लाया जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं वंदे भारत मिशन आखिर है क्या। तो वंदे भारत मिशन करीब 15,000 भारतीयों को वायु मार्ग से भारत ले आएगा जो अलग अलग 2 देशों में फंसे हैं। एक बार ये ऑपरेशन के पूरे होने के बाद 1990 में हुए कुवैत एयरलिफ्ट के बाद सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी। देखिए 1990 में भारत ने 1.7 लाख लोगों को कुवैत से बाहर निकाला था। तो अब देखिए भारत इस दौरान 7 मई से 13 मई के बीच संयुक्त अरब अमेरिका के लिए, देखिए कहां कहां के लिए कितनी उड़ानें हैं, संयुक्त अरब अमेरिका के लिए 10 उड़ानें, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए 7 उड़ानें, सऊदी अरब के लिए 5 उड़ानें, सिंगापुर के लिए 5 उड़ानें, कतर के लिए 2 उड़ानें का संचालन करेगा। इसी दौरान भारत मलेशिया और बांग्लादेश के लिए 7 उड़ानें और कुवैत और फिलीपींस के लिए 5 उड़ानें और ओमान और बहरीन के लिए 2 उड़ानों को संचालित करेगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा 15 उड़ानें केरल के लिए भेजी जाएंगी जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और तमिलनाडु के लिए 11 उड़ानें, पंजाब उत्तर प्रदेश के लिए 1-1 उड़ानें भेजी जाएंगी। अब देखिए रोज़ लगभग 2,000 लोग विदेश से भारत आने के लिए उड़ान भरेंगे। जो यात्री इस विमान से आएंगे, एक मिनट रुक जाइएगा,
जो यात्री इस विमान से आएंगे उनकी पहले जांच होगी। जांच करने के बाद उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उसके बाद विदेश में फंसे भारतीयों को ला रही 64 उड़ानों में से 9 उड़ान 9 देश से आने वाली 11 विमान सेवाओं को तमिलनाडु में उतारा जाएगा। आगे देखते हैं, एक आदेश में केंद्रीय गृह मंत्री गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि दिक्कत में फंसे भारतीय लोगों प्रवासी मजदूरों, नौकरी से निकाले गए मजदूरों और वीजा अवधि समाप्त हो गए व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। ठीक, इस दौरान ऐसे लोग जो चिकित्सा आपातकाल में हैं, गर्भवती महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, इनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। फिर आगे देखिए, गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसे परिवार जिसमें किसी की मौत हो गई हो और विदेश में शिक्षा पा रहे छात्रों को वरीयता दी जाएगी। अब आगे देखिए, धनराशि, यात्रियों से लंदन से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु के लिए 50,000 रुपये की धनराशि का टिकट के तौर पर ली जाएगी, जबकि ढाका से दिल्ली के उड़ान के लिए 12,000 रुपये धनराशि ली जाएगी। अमेरिका से आने वाले यात्रियों के लिए 1,00,000 रुपये का टिकट के मतलब तौर पर वसूला जाएगा, जबकि दुबई से आने वाले भारतीयों से 13,000 रुपये बतौर टिकट लिया जाएगा। ठीक, विदेश मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर यात्रियों को 2 दिन के नोटिस के साथ साथ यात्रा के दौरान आने वाली उड़ान का दिन, जगह और समय भी बताएगी। आगे देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के वक्तव्य के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और सरकार द्वारा जारी की गई स्वास्थ्य दिशा निर्देश को मानना होगा। ठीक, तो ये चीज़ था हमारा ऑपरेशन वंदे भारत। तो अगर जो है हमारी जो है करंट अफेयर की भी सीरीज चल रही है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। आगे देखते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है। तो हवाई सेवा के अलावा भारतीय नौसेना ने भी मतलब हवाई मार्ग से भी जो है प्रवासी भारतीयों को लाया जाएगा और समुद्र मार्ग से भी लाया जाएगा। तो जो भारतीय नौसेना है वो भारतीय नागरिकों को भारत वापसी के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। भारतीय नागरिक मतलब जो नौसेना के जहाज जलाश्व और मगर मौजूदा वक्त में माले के जलपोत के रास्ते में हैं, जो 8 मई से भारतीयों को समुद्र के रास्ते वापस लाने की शुरुआत करेंगे। तो जो ये हमारे जलपोत हैं कौन कौन से, एक तो है जलाश्व और एक है मगर, यही दोनों जो है भारतीय प्रवासियों को लेकर आएंगे। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना के वक्तव्य के मुताबिक मालदीव में भारतीय मिशन नौसेना के जहाज़ों के जरिए निकाले जाने वाले भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहा है और इनकी निकासी की प्रक्रिया जरूरी चिकित्सीय जांच के बाद पूरी की जाएगी। पहली यात्रा के दौरान कुल 1,000 लोगों को सामाजिक दूरी संबंधी नियमों का पालन करने के साथ साथ सुरक्षित वापस लाया जाएगा। इस दौरान जहाज पर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जाएगा, साथ ही जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। इस ऑपरेशन का संचालन रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र और राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों के समन्वय से किया जा रहा है। ठीक, भारत में फंसे श्रमिकों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के बाद भारत सरकार ने विदेश में फंसे प्रवासी भारतीयों को निकालने का फैसला लेकर एक सराहनीय कार्य किया है। ठीक, तो ये चीज़ था कि जो भारत हमारे प्रवासी भारतीयों के लिए मिशन चला रही है, उस मिशन के बारे में आज हमने जो है चर्चा कर ली है। ठीक, तो आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जितनी भी नई नई जानकारियाँ हैं वो सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर दी जाएंगी। तो कल जो है हम इसके आगे जो चर्चा करेंगे, जो अन्य अभियान चलाए गए हैं उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।